प्राकृतिक पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम घर में पड़े पुरानी बोरियों से ग्रो बैग बनाना सीखेंगे और साथ ही ग्रो बैग के ऐसे डिफरेंट आइडियाज को भी देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे हों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अब एक चीनी की बोरी ली है जिसे मैंने साइड से और नीचे से खोल दिया है। मैं अपने ग्रो बैग की हाइट 10 इंच रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक स्केल की मदद से इसकी हाइट 11 इंचेस लूंगी क्योंकि आधी आधी इंचेस सिलाई में चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पर मैंने पहले से ही निशान लगा लिया है 11 इंचेस का, ये देखिए, और साथ ही यहाँ पर मिला लिया। अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। ऐसे ही चारों कोनों पर करते जाएंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जब आप सिलाई करें तो आपकी मुसीबत बढ़ ना जाए, इसके लिए आप इसके सभी कोनों को मोमबत्ती की मदद से आग दिखा दें, क्योंकि ये जो निकल रहे हैं सिलाई में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मोमबत्ती की मदद से इसको थोड़ा सा आग दिखा दीजिए। की मदद से आप ये जो वाला पार्ट है जो आपने रेखा खींची है उस वाले पार्ट को काट के निकाल लीजिए। ऐसा ही सारे कोने पर कीजिएगा और जब आप इसे काट करके निकाल दें तो सिलाई के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, एक कोना बन जाएगा। ऐसा ही इस पार्ट को आप निकाल लीजिएगा कैची की मदद से और ये कोना बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। ऐसा ही चारों कोनों पर करना है। इस वाले पार्ट को निकाल देना है कैंची की मदद से और आपस में से जॉइंट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपका ग्रो बैग कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये देखिए। इसे मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, ये देखने में कुछ इस प्रकार का लगेगा। दोस्तों इसके साइड में मैंने ये भी दिया है ताकि आप इसे इजीली उठा सकें और कहीं पे भी रख सकें, ये देखिए। बैग बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आटे की बोरी ली है जिसके मैंने नीचे वाले पार्ट को भी खोल दिया है। बैग की मैं हाइट 15 इंचेस रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 17 इंचेस लूंगी ताकि एक इंच नीचे और एक इंच ऊपर सिलाई में चले जाए। और बाकी वाले हम इस वाले पार्ट से हम ये इस वाला पार्ट में लगाने वाला निकाल सकते हैं और इजीली ये निकल भी जाएगा। इतना से इतना इस वाले पार्ट में निकलने के लिए, ये देखिए दोस्तों हमारा गोल ग्रो बैग बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसकी हाइट कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर ये भी दिया है ताकि जब आप इसमें कुछ भी उगाएं तो उसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। चलिए दोस्तों ग्रो बैग के और डिफरेंट आइडियाज़ को भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने एक बोरी को आधे में मोड़ लिया है और इसी से इसका बेस भी तैयार कर लिया है जिससे ये बहुत ही मजबूत बन गया है, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने इसी बोरी को बहुत ज़्यादा मोड़ लिया है जिससे ये इसका ऊपर वाला पार्ट बहुत ही मजबूत हो गया है। ये उठाने में बड़ा इजी है और साथ ही आप चाहें तो इसमें छेद करके आप इसे टांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ग्रो बैग का सबसे इजी ट्रिक या इजी आइडिया हम कह सकते हैं दोस्तों इसे, इसमें मैंने सिर्फ इसके नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा सिल लिया है ताकि ये आसानी से बैठ भी जाए और देखने में भी अच्छा लगे, और इसके ऊपर वाले पार्ट को मोड़ मोड़ के इस तरह कर लिया है और
एक प्लास्टिक के धागे से इस तरह सिल लिया है दोस्तों। ग्रो बैग बनाने का ये सबसे बेस्ट आइडिया है दोस्तों। इसे बनाना बड़ा ही आसान है। इसे हमने वैसे ही बनाया है जैसे चकोर वाले ग्रो बैग को बनाया था। फर्क बस इतना है, हमने जिस पार्ट को काट करके निकाल दिया था, बस मैंने उसी पार्ट को ऐसे बाहर करके सिल दिया है। आप इन पार्ट्स को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। या तो आप इसे ऐसे पकड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बीच में उगाई कुछ भी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कर सकें, या फिर बीच में फल या सब्जियां उगा करके इन चारों पार्ट्स में आप फूल उगा सकते हैं जो कि देखने में बड़े ही सुंदर और आकर्षक लगेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।